What's up everyone, welcome to another episode of Tube for You. My name is Arpit and जैसे कि आपने टाइटल देख ही लिया है, आज होने वाला है BBQ Wines का रिएक्शन. I know it's been really long और काफी समय से मैं BBQ Wines के ऊपर रिएक्शन दे नहीं रहा था. कैरी मिनाती के ऊपर रिएक्शन दे रहा था, आशीष चंचलानी के ऊपर रिएक्शन दे रहा था. वो एक्चुअली पंगा ये है कि भाई साहब, हमारे जो BBQ Wines है वो हमेशा हर वीडियो के ऊपर, आई डोंट नो हाउ, देयर इज ऑलवेज अ कॉपीराइट क्लेम. आई नो मैनी पीपल वुड से कि यार ऐसा तो है, कंटेंट उसका है, ब्ला ब्ला ब्ला, बट अगेन सी, दिस इज नॉट व्हाट यू कॉल दिस, द रिएक्शन पॉइंट इज एक्चुअली अ जॉनर. ये एक स्टाइल हो गया है, वेर एज इन द क्रिटिक्स, द रिव्यूअर्स एंड द रिएक्टर्स वर्क ऑन समवन एल्सेस कॉन्टेंट. एंड ऑब्वियसली आई अप्रिशिएट वट एवर BBQ Wines डज, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज क्रिएटिंग अ कंटेंट एंड आई एम रिएक्टिंग ऑन इट. बट अगेन माई रिएक्शंस आर नॉट समथिंग लाइक अदर्स, जो दूसरे लोग सिर्फ देख के स्क्रीन के ऊपर उसको पूरा देखते रहते हैं वीडियो को. दे डोंट एनालाइज द वीडियो, दे डोंट रिएक्ट, दे जस्ट लाइक ऐसा नहीं होता है रिएक्शन. देखो कैसा होता है रिएक्शन और सीखो. Yeah. So now the headphones are on और आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि कल शाम को BBQ Wines ने वीडियो रिलीज किया. मैं एक्चुअली कल रात को ही वीडियो डाल देता, लेकिन ऑब्वियसली मेरा सारा कैमरा इक्विपमेंट, मेरा एडिटिंग कंप्यूटर सब ऑफिस में पड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली मैं नहीं कर पाया. इसलिए आज सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठ के मैं ऑफिस आया हूँ और पहले आप लोग के लिए रिएक्शन देख रहा हूँ. सो लेट्स गो हैड एंड चेक आउट द वीडियो के एग्जैक्टली वीडियो है क्या. ओके, BBQ Wines इतनी ठंड इंग्लिश झंड, दैट्स द टाइटल ऑफ द वीडियो. And here it is. So, शुरू करते हैं in 1, 2 and 3. Hello, हाँ भैया, बबलू जी के घर से बात कर रहा हूँ. नौकर नहीं हूँ, उनका बेटा हूँ. भुवन बेटा, पानी की बोतलें भर के छत से कपड़े उतार के ले आ. हाँ, नौकर ही हूँ उनका मैं एक तरह से. अच्छा सुनो, हमारे घर का हीटर खराब हो गया, उसको रिप्लेस करवाना है. आपका कौन सा एग्जीक्यूटिव है भाई? आप तो गले पे बैठते हो, आपकी साइकिल वाले के बगल वाली दुकान है. अच्छा बात कराओ भाई. हेलो स्टार्टअप्स. भैया नहीं सर. हेलो सर, सर घर का हीटर खराब हो गया है, उसको रिप्लेस करवाना है. नहीं नहीं, रिपेयर नहीं करवाना. पिछले हफ्ते आपका बंदा आया था हीटर के ग्रिल पे, पापड़ सेक के चला गया. अरे 600 रुपए की चीज को क्या रिपेयर करोगे आप रिप्लेस करवा के दो वारंटी पीरियड में. 600 रुपए का हीटर, आप मेरे एग्जीक्यूटिव से बात कीजिए. हेलो, तुम्हें पता है कितनी दिक्कत हो रही है बेंच. पहले हीटर से हाथ गर्म करेंगे, अब वो चल ही रहा तो सारे पैंट में हाथ डाल के बैठे हम. क्यों, वो कहावत नहीं सुनी, झांटे सो लगना. अब उसी से हाथ गर्म कर रहे हैं. डैडी को दे. आप हमारे से एग्जीक्यूटिव से बात कीजिए. आपकी दुकान पे मेरे दो बंदे आएंगे, हाँ उनको यही बात बता देना. उफ़े क्या होगा, उफ़े तेरे होतर लाल हो जाएंगे, मार मार कितना लाल कर देंगे, बंदर की गांड और तेरी गांड जो भाई लगेगी. फिर बैठ नहीं पाएगा तो क्या करवाएगा, रिप्लेस. 10 मिनट के अंदर यहाँ पे आ गया. कौन पीठ पे ना मुक्का मारू, ना नापू मैं गुद्दी, बातों पे ही बुन फाड़ दू, नाम है मेरा. हेलो 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 भैया, समीर फुद्दी. सबसे बड़ी दिक्कत है बहन, जो पीछे स्कूटी पे लड़की नहीं बिठा सकते. क्यों क्यों, पबजी की वेटिंग एरिया की तरह सारे डेटर साथ में रहते हैं. लेट्स गो. तो शैम्पू कर क्या करना यूज करके, दोपहर की धूप में नीचे काला कपड़ा रख के ततड़ ततड़ करके मनाली की स्नोफॉल देखने का मजा. तो फिर क्या करूं, एक तो इतनी ठंड में पहले नहाने का मन बनाओ, फिर गीजर ऑन करो, फिर शैम्पू करो, फिर कंडीशनर करो. अब इतने सैक्रिफाइस के बाद भी डैंड्रफ नहीं जाता तो मैंने तो छोड़ दिया. अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज होती है. तो बेटा एक काम कर, अंडा लगा ले बालों में. सी, पिछला ब्रेकअप भी इसी वजह से हुआ था. वो वीगन थी और डेट पे मेरे बालों में से अंडे की स्मेल आ रही थी. आई हेट एग्स. लेकिन कुछ भी कहो, वो इंस्टाग्राम पे अंडे ने काइली बहन जी को हरा दिया. नहीं आप कैसे जानते हो इसके बारे में? लगता है मैं गैस पे अंडे रख के भूल गया. और बर्थडे के क्या प्लान, तुझे याद है मेरा बर्थडे? ओह, बर्थडे इज कमिंग. बहुत होता है, फेसबुक ही याद दिलाता है बर्थडे. कोई रेवोल्यूशन, मम्मी पापा के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना है. तूने अपने बर्थडे पे क्या रेजोल्यूशन लिया था? खुदाई बहुत कम करनी है. खा मेरी कसम, मर जाएगा रे तू. कुछ नहीं, क्या रेफरेंस है यार, गली बॉय का. क्या पार्टी करनी है यार, कसम से. दूसरों से बर्थडे ट्रीट लेके अपनी बारी में मैच्योरिटी की बातें चोदने वाला तुम्हें सलाम है. मैंने कहा पार्टी की, पिछले हफ्ते शंकर की पार्टी में बियर पी के कौन झूम रहा था बेंच? धीरे बोल ले, पापा घर में है. पार्टी घर में नहीं होगी, बाहर होगी. बेटा ये ना नीचे वाली किराएदार लग रहा है थोड़ी टेंशन में है. क्या हुआ? कल रात को वो अपने बच्चे से कुछ मांग रही थी, वो दे ही नहीं रहा था. बच्चा? उसका तो कोई बच्चा नहीं है. फिर बार बार गिव इट टू मी बेबी, गिव इट टू मी बेबी चिल्ला रही थी. Yeah! दो तीन लड़कियां रहती हैं साथ में. अब तो पार्टी इसी घर में होगी कहीं बाहर. Yeah!
हम तो ऊटी जाने का सोच रहे थे। भाई ऊटी वे नियर बाय बूटी पार्टी के आसपास के लोग बुला लेते हैं, जैसे जैसे नीचे वाले, नीचे वाले, नीचे वाले, नीचे वाले, और नीचे वाले, नीचे वाले। खराब है इसका, एक काम करते हैं, ऊपर ही छत पे कर लेते छोटी सी पार्टी, और वो भी लगा लेंगे वो छोटा शमशान, बॉनफायर। हाँ हाँ हाँ, तो सबसे पहले किसका इंतजाम करें? लड़कियां, लकड़ियां, बॉनफायर के लिए। ठंड बहुत हो गई है नी, आजकल दो रजाई चाहिए या फिर रजाई में दो। यार मैं तो पहाड़ चढ़ने जाता था, इतने वेले थे ना ना एक दोस्त के साथ, वहाँ हम जाके ये आग लगा के घंटों तक बातें करते थे और आसमान में देखते थे, ऊपर से पूरा शहर दिखता था, और कभी कभी तो हम बारबेक्यू भी करते थे। ठंड पसंद नहीं है बिल्कुल, मतलब ठंड में नहाते टाइम ऐसी हालत हो जाती है, पता नहीं टाइटैनिक में जैक का क्या हाल हुआ होगा। क्या बोल रहा है ये, ऊपर से ठंडे पानी में नहा के किस में आप बताओ ना। बेटा वो वर्मा साहब का बर्थडे है, तो उनको बर्थडे की बधाई के लिए कुछ मैसेज लिख दे। अच्छा सुन, तेरा बर्थडे आ रहा है, हर साल मम्मी और मैं तुझे अपनी पसंद का गिफ्ट देते हैं, तो इस साल मैंने सोचा कि क्या तू हमें हमारी पसंद का गिफ्ट दे। मैं अपने बर्थडे पे आपको गिफ्ट दू? हाँ, मैं कुछ समझा नहीं। देखो बेटा, मैं बस यही चाहता हूँ कि तू हमारा नाम ऊंचा कर दे बस। यार नाम ऊंचा करने से क्या होगा, आपका नाम बबलू से बबलू हो जाएगा क्या? हाँ तू मजाक मत कर, अच्छे से पढ़ो, बढ़िया सी नौकरी करो, और फिर हमारी पसंद की लड़की से शादी कर लो। अच्छा शादी भी आपकी पसंद से? और क्या, अरेंज मैरिज बेस्ट है। क्यों, सुहागरात में शर्माने में टाइम वेस्ट नहीं होता। तू चुपचाप मैसेज लिख, और तू लिख दिया। वाह वाह, धोनी की स्टंपिंग से भी तेज है। इधर देख ले भूतनी के, डियर मिस्टर वर्मा, अच्छी इंग्लिश है। आई एम ग्लैड यू वर बॉर्न टूडे एज आई हैव फाउंड अ गुड फ्रेंड इन यू, योर प्रेजेंस इज ऑफ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस, although I have rashes on my pubes, but they still look like jamun. Jamun? Hindi. Apple was founded by Steve Jobs, but life is dull without blowjobs. Because Ghutna goes parkar telling you this because you love missionary. Baad mein batana. Happy birthday. हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, अच्छा मिश्रण है शब्दों का, और कुछ शब्द तो ऐसे भी हैं जो कभी सुने भी नहीं। ये ब्लो जॉब क्या होता है? पहली बार चालान हुआ था तो वो पुलिस वालों ने हमसे वो फूंक मारने को कहा था, जो ड्रिंक एंड ड्राइव में होता है ना, तो माय गॉड, ओह माय गॉड। अच्छा पर इसका इससे क्या लेना देना? हाँ वही तो, लव में चेंज कर देता हूँ। ठीक है, कुछ सोच समझ कर ही लिखा होगा इसने। यार आज के जमाने में वो क्या बोल रही, कितना जरूरी, आंसू आ रहे हैं आंखों से मेरे। वोकैबुलरी। ओहो हेलो वर्मा साहब, जन्मदिन की पांड्या शुभकामनाएं। अरे मैं अभी को मैसेज कर रहा था अभी। हाँ वो बच्चे लिखने में मदद कर रहे थे। यार बच्चों को ही सब पता है, हमें क्या पता मोबाइल के बारे में। अरे बेचारे कल इनका चालान हो गया तो पुलिस को ब्लो जॉब दे के आए हैं। बेटा पुलिस को ब्लो जॉब दे के आए, तीन तीन को दे के आए हैं, अलग 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 अलग। मुंह दुख गया होगा बेचारों का। कैसी मरे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कसम से यार, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड मैन, आंखों में देखो मेरे पानी नहीं है, आंसू है, खुशी के आंसू है। भुवन द बाम ने वापस से पिछला वाला रिकॉर्ड कायम रखा है। कुछ समय से वीडियोस वेर लाइक, मुझे ऑब्वियसली, मैं खैर सोच के बैठा था कि मैं बीबी की वॉइस के ऊपर रिएक्शन नहीं दूंगा क्योंकि भाई साहब का कॉपीराइट आ जाता है, फैक्ट है, आ रहा है, दिख रहा है। लेकिन क्या करें, आपको इतने मुझे आप लोग सारे के सारे कमेंट्स लिखे जा रहे हो कि बीबी की वॉइस का रिएक्शन दो, बीबी की वॉइस का रिएक्शन क्यों नहीं आया। सो आई थॉट कि यार इस बार दे ही देते हैं, इस बार रिएक्शन कर ही लेते हैं, एंड आई एम ग्लैड कि मैंने ये वीडियो देखा। एंड भुवन यू आर द बेस्ट मैन, नो मैटर तू कितना भी मेरे को कॉपीराइट लगा ले, यार भाई तेरे वीडियोस मुझे बहुत पसंद है, एंड आई जेन्युइनली अप्रिशिएट द हार्ड वर्क दैट यू डू। और ये जो खुशी के आंसू हैं जो बाद में इतना हंसा हूँ सुबह सुबह, ऑब्वियसली राइट नाउ इट्स
8:45 और मैं मेरे ऑफिस में बैठा हूँ जस्ट सो दैट आई कैन वॉच दिस वीडियो, रिएक्ट टू इट एंड शूट माई रिएक्शन. आई जस्ट लव्ड इट, मुझे बहुत अच्छा लगा. और इनफैक्ट अगर मैं देखूँ तो मैंने बीबी की माइंस का जो रिएक्शन है वो सबसे पहले उसके बर्थडे वाले से शुरू किया था, जिसमें उसको ग्रीन कलर की निंजा बाइक नहीं बल्कि उससे मिलती जुलती टी शर्ट मिलती है. अगर आपको एपिसोड याद होगा तो फिर भी ये यहाँ पे किधर तो लिंक आएगा, वो देख लेना. और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा. अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 कमेंट में नीचे लिख देना कि आपको कैसा लगा. और अभी तक यहाँ पे आए हो तो यार लाइक तो बनता है, लाइक मार दो यार, मत सोचो लाइक दबा दो. अगर आप नए हो चैनल पे तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके जाओ, और सब्सक्राइब के साथ घंटी दबाना मत भूलना, नहीं तो घंटा नोटिफिकेशन नहीं आएगा. सो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों. आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, और अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही मस्ती करते रहिए. बिकॉज यार जो मस्ती मजाक दोस्तों के साथ होता है वो तो किसी के साथ नहीं होता है. So with that said, this is Arpit Handa signing off. See you in the next episode of Tube for You. Till then, take good care of yourself. I love you all. Bye bye.